नमस्कार, आज मैं आपको पिन फ्लावर स्टिच सिखाने जा रही हूँ। इसकी पत्तियाँ मैंने हेरिंग बोन से बनाई है, डाल स्टेम स्टिच से बनाई है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज मैं आपको पिन फ्लावर स्टिच सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले जो भी डिजाइन बनाएं उसमें सुई लगा दें इस तरीके से। सुई को डिजाइन के अंदर ही रखें ऐसे। इसको लपेटने के बाद में ये धागे से ना लें, इस कपड़े से ना ले करके इसको केवल धागे से निकालें इस तरीके से ऐसे। और ऐसे ही इधर से कर लें। इसके बाद में इस सुई को ऐसे निकालते बाहर। ये बन गया। इसके ऊपर की ओर यहां पर भी एक टाका लगा दिया। ऐसे दूसरे में बनाए, फिर उसमें भी यही कर ले। फिर उसी ढंग से धागे से निकाल लें। वैसे सुई निकाल करके और फिर वैसे ही कर ले। इसी तरीके से पूरा फूल बनाते चले जाएं। ये मैंने बना लिया है। अब इसके बीच में इस तरीके से जो ये वाला धागा है इस सुई में लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में इसको यहां पर इस ढंग से सुई नीचे कर देंगे, ऐसे बन जाएगा। इसकी पत्ती को हेरिंग बोन से बना लेंगे। हेरिंग बोन इस तरह बनती है।
इसकी इसकी डाल को स्टेम स्टेम से बना लेंगे। इस तरीके से ये मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर दूसरा कलर इस तरीके से लगा देंगे। इसके कपड़े से नहीं लेंगे, धागे के नीचे से निकालेंगे। इसमें मोती इस तरह लगा देंगे।